दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम चलिए शुरू करते हैं टेली के इस नए कोर्स को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि टेली का नया सॉफ्टवेयर आ चुका है टेली प्राइम, जिसके कोर्स की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इसकी बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग स्किल के बारे में हम बैक टू बैक क्लासेस लेने वाले हैं। बेसिक से एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी अकाउंटिंग स्किल आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग स्किल के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा हमारी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक के बारे में बात करी, टैली क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में जाना हमने, मतलब बहुत सारी बातें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। टैली को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, उसको अपने पीसी में सेटअप करना, ये सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे टैली के अंदर के फीचर्स, टैली प्राइम में या फिर टैली में कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स बदले हुए रहते हैं ना, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए। मैं इसकी शॉर्ट फीस भी आपको बताऊंगी। पहला तो आपका जो टॉपिक होगा वो होगा क्रिएट कंपनी, क्रिएशन ऑफ कंपनी में आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी और सेलेक्ट कंपनी। फिर उसके बाद आएगा आपका शट कंपनी, एल्डर कंपनी, डिलीट कंपनी, चेंज कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। इतनी बातें आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो आपका क्या, क्रिएट कंपनी। इसके बाद कंपनी को सेलेक्ट कैसे करना है, उसको शट कैसे करना है, मतलब एक कंपनी को अगर हमने चूज किया है तो फिर हम उसको शट कैसे कर सकते हैं। फिर एल्डर करना, डिलीट करना, एक कंपनी को कैसे डिलीट किया जा सकता है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारी चेंजेस करने होते हैं वो कैसे कर सकते हैं, उसका बैकअप वापस कैसे ले सकते हैं और उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। इतनी बातें, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, इन आठ टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। पहला तो आपका है क्या, क्रिएशन ऑफ, यानी कि क्रिएट करना, कंपनी को क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट, व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली, इसका शॉर्ट ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, गेटवे ऑफ टैली प्लस, इतनी चीज को अगर आप जान लेंगे ये शॉर्ट चीज है। वैसे तो आप माउस की सहायता से भी स्क्रीन में देखते हुए आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट कीज के माध्यम से चीजों को करेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टैली में क्या है, हमें माउस का बहुत ही कम इस्तेमाल करना होता है, ज्यादा से ज्यादा हमें कीबोर्ड को इस्तेमाल करना होता है और उसी से हमें आगे का काम करना होता है। तो आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली, एल्ट प्लस के, उसके बाद कंपनी, कंपनी के बाद क्रिएट को टच करेंगे, एंटर करेंगे, फिर उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। ये इसका प्रैक्टिकल पहले हम करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको चीजों को बताएंगे। उसके साथ ही आप सेलेक्ट कंपनी को भी अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। सेलेक्ट कंपनी मतलब व्हेन यू हैव टू ओपन कंपनी विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली ऑफ सेलेक्ट कंपनी गेटवे ऑफ टैली एल्ट के सेलेक्ट एंड एंटर। इसका भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, एल्ट प्लस के का ही सारा काम है यहाँ पे, ठीक है। आपको आगे भी इसका यूज देखने को बहुत मिलेगा कि एल्ट प्लस के का ही काम है, फिर उसके बाद बस खाली आपको क्या, कंपनी क्रिएट और सेलेक्ट में जो ऑप्शन होगा यही चीजें बदलेंगी बस। कि आपको कंपनी को क्रिएट करना है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और कंपनी को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा हमको बस एंटर कर देना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए इसके प्रैक्टिकल के पीछे ध्यान देते हैं, और पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बात को ध्यान में रखिएगा। और इस शॉर्ट की के माध्यम से ही आप कंपनी को क्रिएट और भी चीजें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस एल्ट के की है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ट प्लस के। ठीक है, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा टैली प्राइम दिख रहा है, टैली प्राइम हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखेंगे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, पर हमें क्या करना है, हमें नई कंपनी बनानी है। आप इसको माउस की सहायता से कंपनी पर टच कर सकते हैं, देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया है क्रिएट का, एल्टर का, चेंज का, सेलेक्ट का, शट का और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसको माउस की सहायता से नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। कीबोर्ड में क्या करना है हमको, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इसका, एल्ट प्लस के को प्रेस करेंगे, क्रिएट को एंटर करेंगे, देखेंगे कि हमारी कंपनी बनने के लिए यहाँ पे तैयार है। कंपनी का नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम डाल दीजिए या फिर अपना कोई भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि यूनिक
यूनिक प्रयागराज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हमने यहाँ डाला, फिर हमने एंटर किया। देखेंगे दूसरी बार फिर से लिख के आ गया, क्योंकि ये मेलिंग नाम, मेलिंग नेम होता है। फिर इसका एड्रेस, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हो, जैसे कि हमारा है मोहन पाठ पटरा, ठीक है। इसके बाद फिर से एंटर किया, एंटर किया, स्टेट डाला। स्टेट डालने के लिए क्या करेंगे, हम कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से स्टेट से हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। अब आपको पिन कोड डालना है, आप अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं, ठीक है, पिन कोड डाला, एंटर, एंटर करते जाएंगे, फोन नंबर आ गया। फोन नंबर में क्या डालेंगे, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको ईमेल डालना हो तो आप ईमेल डाल सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। हाय नीचे करते हुए, डेट भरनी हुई तो डेट भरिए, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं यस और नो का ऑप्शन आया, तो हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे, या फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, यहाँ पे हमें यस 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 करना है, फिर आपको वही कंट्रोल ए कर दीजिए, सब आ गया। देखा, हमारी दूसरी कंपनी बनके तैयार हो गई। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यूनिक प्रयागराज प्राइवेट लिमिटेड लिख के आ चुका है, मतलब हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये तो हो गया आपका क्रिएशन ऑफ कंपनी, फिर इसके अंदर जो हम काम करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये हो गया आपका क्रिएट कंपनी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या, हम बताएंगे क्या कंपनी को सेलेक्ट करना, ठीक है। अब कंपनी को सेलेक्ट कैसे करना है, आप स्क्रीन पे देखिए कि दो कंपनियां है ना यहाँ पे, मोहित प्राइवेट लिमिटेड, तो हमें कैसे करना है, फिर वही एल्ट प्लस के देखेंगे, सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा हमें, हम एल्ट प्लस एफ थ्री भी कर सकते हैं जिससे हमें सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, बट हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे और एंटर करेंगे। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, कौन सी कंपनी हटानी है आपको, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमने यहाँ अमन प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी को खोला, वो कंपनी भी ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक एक नहीं, तीन तीन कंपनियां ऐड हो गई है, अमन प्राइवेट लिमिटेड, मोहित प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक प्रयागराज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो फिर इतनी सी बात है, हमने क्या बताया यहाँ पे कि पहला तो आपका क्या, क्रिएट कंपनी और सेलेक्ट कंपनी, मतलब सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंपनी को हटा भी सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ऐड करना बताया, इसके बाद मैं आपको हटाना भी बताऊंगी, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी आज के लिए, आज आपने क्या क्या सीखा, कंपनी को क्रिएट करना और सेलेक्ट करना, तो इतनी बात है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शन जो है जितने मैंने आपको बताए वो भी मैं करवाऊंगी, बट आज के लिए बस इतना ही, इतनी ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं करते हुए इसके बारे में आगे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।